What is up boys, welcome back to the channel. It's your boy Anirudh और आज है कितना बढ़िया weather, आज कितना sunny weather है. So I guess it calls for a mod. तो आज हम क्या करेंगे, जैसे मैंने last video में तुम लोग को बताया कि by the way thank you so much guys, मेरे को बहुत positive feedback मिला last video के लिए. तो I guess I am doing Hindi videos from now on. हाँ, जैसे मैंने तुम लोग को last video में बताया था, next video में मैं एक बहुत बढ़िया performance mod करने वाला हूँ. तो वो परफॉर्मेंस मॉड यहाँ मेरे साइड पे, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते और लेट मी शो यू व्हाट आई हैव हियर. सो बूम, देयर यू गो, रैम रैम एयर यूके. तुम लोग को पता है यूजुअली मेरे को क्या है, मेरे को खुद पार्ट्स सोर्स करना पसंद है क्योंकि इट्स लाइक कि आई कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यूजुअली बहुत सारी फैक्टर्स कंसिडर करके मैं मंगवाता हूँ कि कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा, ओवरऑल प्राइस कितना है, शिपिंग कितना है. अगर मेरे को वो ओवरऑल डील बेटर मिलती है दैन इन अ परफॉर्मेंस शॉप तो मैं खुद मंगवाता हूँ. तो मोस्टली पार्ट जो भी इस बिल्ड के मैं वो खुद ही मंगवाऊंगा. मेरा इनटेक एज यू कैन सी आया है ग्रेट ब्रिटेन से और आया है रॉयल मेल से. और सबसे बढ़िया चीज़ जस्ट लाइक दी प्रीवियस पार्सल, ये भी है ड्यूटी फ्री. और आई डोंट यूजली लाइक टॉकिंग अबाउट द प्राइजेस बट मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि प्राइस के पार्ट्स का, तो अब से मैं शायद पार्ट्स के प्राइजेस बताना शुरू करूँगा. सो ये रहा इसका प्राइस. दिस प्राइस इज एक्चुअली विदाउट द शिपिंग. तो शिपिंग वॉज 20 pounds, तो 70 plus 20 pounds, तो ऑलमोस्ट 90 pounds मैंने पे किया. वो तुम कन्वर्ट करके देख सकते हो मैंने कितना पे किया. हाँ, इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर इनटेक क्योंकि एक्सेंट पे जो इनटेक था वो हार्ड 2000-3000 रुपीज़ का था, बट दिस इज़ क्वाइट प्राइसी. बट वही बात है कि इनटेक एक गाड़ी का बहुत इंटेग्रल पार्ट है क्योंकि एयर फिल्टर से ही सारी हवा इंजन में जा रही है. अगर मैं चीप आउट करता इस चीज़ में तो मेरी इंजन की लाइफ बहुत कम हो जाती. अगर तुम्हारी ऐसी कार है जिसको तुम एक्चुअली बहुत केयर करते हो तो आई विल गिव यू एडवाइस, अगर तुम इनटेक लगाना चाह रहे हो तो गेट अ गुड इनटेक. अगर तुम चीप आउट करोगे इनटेक पे तो तुम गाड़ी की हेल्थ और गाड़ी की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालो, नेगेटिव इम्पैक्ट डालो. चलो हम लोग अभी अंदर चल के इनटेक अनबॉक्स करते हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे को कवर करने हैं, जो मुझे टच करने हैं क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं इनटेक को लेके. अभी कल परसों मैं अपने प्रीवियस किसी पोस्ट पे पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी मिसकंसेप्शंस है इनटेक को लेके. तो मैं चाहता हूँ मैं क्लियर आउट करूँ कुछ चीज़ें. तो हम इनटेक को अनबॉक्स करते हुए ये सब बातें करते हैं ताकि तुम लोग बोर ना हो जाओ. सो लेट्स गो इनसाइड. चलो बॉयज़, वी आर इनसाइड एंड हम हैं मेरी फेवरेट अनबॉक्सिंग स्पॉट जो कि है मेरा वर्क बेंच. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस शीट को उतार के. ये मैंने लगाई थी ताकि ये जो वाइट बॉक्स है इसकी हालत और ख़राब ना हो. और चलो अब हम करते हैं मिथ बस्टिंग. ठीक है, सबसे पहला मिथ जो कि है क्या इनटेक लगाने से पावर बढ़ती है, वो है बिल्कुल गलत. इनटेक लगाने से सीधा पावर नहीं बढ़ेगी क्योंकि देखो यार एक चीज़ समझो, जब गाड़ी कंपनी से आती है, कंपनी से जो ईसीयू जो गाड़ी का ब्रेन रहता है ठीक है, उसमें पहले से फिगर्स पहले से उसमें फीडेड रहती है कि इतना एयर लेना है, इतना फ्यूल लेना है और इस टाइम पर इग्निशन करना है, इतना ज़्यादा तुमने टाइमिंग रखनी है ठीक है. तो जब तक ईसीयू में वो वैल्यूज़ फीडेड है तब तक तुम चाहे कुछ भी डालो तुम्हें सिग्निफिकेंट गेन नहीं दिखने वाला, तुम बस ईसीयू को कंफ्यूज़ कर रहे हो. बात ये है कि इनटेक तुम डालोगे बट अभी भी गाड़ी का जो ब्रेन जो कि ईसीयू इंजन मैनेजमेंट सिस्टम रहता है ठीक है, ईसीएम ईसीयू जिसको बोलते हैं, उसको अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास स्टॉक इनटेक है, वो उतनी ही हवा लेगा. तो चाहे तुम फिल्टर डालो, एग्जॉस्ट डालो, उसमें ऐसे तुम्हें डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए. थोड़ा बहुत ईसीयू अडेप्ट कर लेता है बट तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम इनटेक डालोगे और तुम्हारी गाड़ी 10-15 हॉर्स पावर बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल गलत है. ऐसा क्लेम्स अगर कंपनी करती है वो बिल्कुल फॉल्स है. पावर गेंस ये जो मैं इनटेक डाल रहा हूँ तो मैं आज ऐसा नहीं है कि आज मैं इसको डाल रहा हूँ तो मेरी पावर बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आज मैं इसलिए अभी डाल रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी प्रिपेयर कर रहा हूँ रीमैप के लिए. रीमैप में क्या करते हैं, हम इंजन को न्यू वैल्यूज़ देते हैं कि तुम ज़्यादा फ्यूल लो, अब तुम ज़्यादा एयर लो, तब इस इनटेक की यूटिलिटी आएगी, तब गाड़ी को पता लगेगा हाँ मेरे पास इनटेक है, मैं ज़्यादा हवा खींच सकता हूँ. जस्ट पुटिंग ऑन अ फिल्टर वोंट मेक योर कार फास्ट पीरियड. चलो अब हम खोलते हैं इस बॉक्स को, थोड़ा स्नीक पीक.
सो इसमें बहुत सारा बबल रैप है, एज यू कैन सी। तो ये रहा ह्यूज ह्यूज फिल्टर, इट इज़ मैसिव। मेरे को नहीं पता था इसका साइज़ इतना बड़ा है, इट इज़ लिटरली एज बिग एज माई हेड। हमारा फोम बेस्ड फिल्टर है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टाइप ऑफ फिल्टर्स। तो मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है क्लोजअप। बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया, अंदर देख सकते हो मैशिंग है इसके, जिसके ऊपर ये बैठता है। कीपिंग दिस असाइड, हमारे पास अंदर है ये छोटू क्यूट सा फिल्टर। ये तुम सोच रहे हो कि किस लिए है, ये है सेकेंडरी एयर इंजेक्शन के लिए। हमारी कार्स में सेकेंडरी एयर इंजेक्शन रहता है कैटलिक कन्वर्टर को वार्म अप करने के लिए कोल्ड स्टार्ट्स पे, तो ये उस सिस्टम के लिए। तो ये तुम्हारे केस पे शायद नहीं हो तुम्हारी गाड़ी में। तो कीपिंग दिस असाइड, ये है मेरे पास ऑलमोस्ट 7-ply कपलर, जो कि मेरे इनटेक पाइप और फिल्टर को जोड़ेगा। परफेक्ट। ये रहा हमारा हार्डवेयर पैक, ये रहा हमारे सारा हार्डवेयर, दो क्लैंप्स, एक छोटा क्लैंप, ये रहा हमारा मैनुअल भी दे रखा है इन्होंने हमें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने दिए हैं हमें स्टिकर। ये स्टिकर ऑब्वियसली कार पे नहीं जाएंगे, ये जाएंगे हमारे स्टिकर बोर्ड पे। और तुम लोग को सोचोगे मैंने कार पे स्टिकर क्यों नहीं लगाया, तो वंस अगेन मेरी ये स्टेल्थ फील्ड है, मैं लोग को आइडिया नहीं देना चाहता ये गाड़ी मॉडिफाइड है। सो लास्टली इस बॉक्स में है ये मेटल हीट शील्ड, इसके अंदर हमारा एयर फिल्टर बैठेगा ताकि ये गर्म हवा ना खींचे बाकी के इंजन बे से। दिस इज़ एवरीथिंग इनसाइड द बॉक्स। मिथ बस्टिंग के पार्ट पे थे तो एक और मिथ बस्ट करते हैं। पैनल एयर फिल्टर्स, ये दिस इज़ जस्ट अ स्कैम। पैनल एयर फिल्टर्स लगाने से कुछ गेन नहीं आता, उल्टा आप गाड़ी का नुकसान कर रहे हैं। लेट मी टेल यू व्हाई। ये जो पैनल एयर फिल्टर्स होते हैं, दीज आर ऑयल बेस्ड फिल्टर्स। इनको मतलब सर्विसिंग के लिए इनमें ऑयल डालना पड़ता है। तो ये जो ऑयल है, ये धीरे धीरे जो इनटेक पे तुम्हारे सेंसर्स है, जो तुम्हारे थ्रॉटल बॉडी पे या इनटेक पाइप पे जो सेंसर्स हैं, इन पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है ऑयल स्लोली स्लोली, और तुम्हारे इतने एक्सपेंसिव जो सेंसर्स है, 5-6-10 हज़ार के जो सेंसर्स है, वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। परफॉर्मेंस पैनल एयर फिल्टर अकॉर्डिंग टू मी इज़ नथिंग बट अ स्कैम। ये रहा हमारा रैम एयर का स्टिकर, और बिफोर एंड आफ्टर के साउंड क्लिप्स के लिए अभी हम चलते हैं और हम सुनते हैं अभी करंट स्टेट में गाड़ी कैसी साउंड करती है। तो लेट्स गो, क्योंकि इनटेक इंस्टॉल करना इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो लेट्स गो और गाड़ी के अलग अलग एंगल से आवाज़ सुनते हैं कि गाड़ी साउंड कैसी करती है। सो लेट्स गो। Sit back and enjoy some stock induction noises for the last time. Sounds fine. Yes, when I'm boosting, it sounds like a fighter jet approaching, but it's very muted sound, so I guess after the intake ye cheez kafi loud ho jayegi. Now let's get back home aur dekhte hain ki kitni awaaz badhti hai. So we are back, as you can see, aur aaj weather theek hai to shayad aaj main bahar hi mod karu. So intake lagana is mostly a very easy mod. इसके लिए मेरे को बस ये स्टॉक एयर बॉक्स उतारना पड़ेगा, 10 mm बोल्ट और एक स्लिप हेड चाहिए होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो मैप सेंसर है, इसे रिमूव करके।
ये हमने रिमूव कर दिया और इसको साइड में कटिंग कर देंगे। इस कंप्लीट एयरबॉक्स असेंबली को निकालने के लिए 2 10 mm है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हम इसको खोलेंगे। देयर यू गो, ये आ गया हमारा स्टॉक एयरबॉक्स। ये है मैप सेंसर, तो हमने इसको भी निकालना है बाहर। सो दिस इज आवर मैप सेंसर, अ वेरी एक्सपेंसिव सेंसर। सो इसमें एरो बना है कि ये जो एरो है ये टर्बो की तरफ फेसिंग होना चाहिए। सो इसको हम साइड में रख देते हैं। ये हमारी टर्बो इनलेट पाइप, ये टर्बो यहाँ से शुरू हो जाता है, ये जो मेटल पार्ट है, आई होप यू कैन सी, ये हमारा टर्बो है और ये अपने मैनिफोल्ड के साथ जुड़ा है और उसी के नीचे से एग्जॉस्ट। दिस इज आवर हीट शील्ड, ये यहाँ ऐसे बैठेगी। बट सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल द मैप ऑन टू दिस हीट शील्ड, सो लेट्स डू दैट। देखो नाउ द मैप सेंसर इज इन, अभी हम इसको वापस करेंगे रीइंस्टॉल। लेट मी टेल यू अनदर कूल फैक्ट, ये जो पाइपेज दिख रही है तुम्हें, ये यहाँ जाती है फेंडर के अंदर और फ्रंट ऑफ द कार से ये लेती है कोल्ड एयर का फीड। सो एक कंपनी से ही कोल्ड एयर इनटेक की तरह एक आता है, यहाँ फिल्टर लगेगा तो सीधा कोल्ड एयर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कार यहाँ पे। सो नाउ द हीट शील्ड इज कंप्लीटली इन, इट वोंट मूव, फाइनली द फिल्टर्स। We'll start with this small secondary air injection ka. I just took a small snack break. Abhi isko hum lagate hain idhar. Ye ho gaya in. Chalo ab now to the main course. Ab lagate hain apna filter. Now finally the filter. Don't forget your mask. Now moment of truth, सब कुछ हो गया है टाइट, फिल्टर, ये सिंगलर इंजेक्शन, ये I'll go and start the car and you guys will be the first one जो आवाज़ सुनेंगे मेरे से भी पहले। So let's go and hope कि कोई check engine light ना हो। So 3 2 1 go. ओके आइडल साउंड्स एग्जैक्टली द सेम, अभी तक इंजन लाइट तो ऑन हुई नहीं है, सो होपफुली एवरीथिंग इज फाइन, सो लेट्स गो। ओ माय गॉड, इट साउंड्स क्रेजी, ओ माय गॉड। एक और बार, इट साउंड्स लाउड। चलो सब कुछ खाली करके लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, आई कैन नॉट वेट। चलो भाई लोग, हम तो ड्राइव के लिए निकल गए हैं एज यू कैन सी, बट मैं तुम लोग को अभी सुनाऊंगा नहीं कैसी साउंड करी, ठीक है? मैं अभी अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, वही एक तो स्विफ्ट और एक ह्यूंडई गेट्स वाले से। मैं अभी तुमको नहीं सुनाऊंगा कैसी सुनती है, मैं उन लोग के रिएक्शन दिखाऊंगा। चलो तुम लोग को एक स्नीक पीक देता हूँ कि कैसे साउंड कर रही है। 3 2 1
इतना काफ़ी है, अभी मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा बाकी। सो लेट्स गो। What is up guys? तो आज हम जा रहे हैं सीलिंग ताकि ये कूल कर सकूं और देख सकूं कि बूस्ट में कुछ डिफरेंस आया है नहीं, और उसके बाद मैं जाऊंगा होरिमन सर्कल। अगर तुम लोग मुंबई से हो तुम लोग को मालूम है संडे मॉर्निंग होरिमन सर्कल में बहुत सारी हाई एंड कार्स, बहुत सारी एग्जॉटिक कार्स और मॉडिफाइड कार्स आती है। तो आई होप, मेरा फर्स्ट टाइम है, आई होप कोई अच्छी गाड़ी दिखे। मैंने गाड़ी कल रात को क्लीन की है, अभी तो बारिश हो गई फिलहाल। तो लेट्स गो।